किंतु अब भी प्रश्न निर्माण होता है, 1925 में भी यह प्रश्न निर्माण हुआ कि आपने ध्येय बहुत बड़ा रखा है, परम वैभवम ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कामों की आवश्यकता है। राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करते हुए वहाँ उपयुक्त कार्यों की रचना और विचारों का विकास करने की आवश्यकता है। और संघ ने कहा कि हम केवल संगठन करेंगे, संगठन के अलावा कुछ नहीं करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन इज अवर बिगिनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन अवर एंड, संगठन यह हमारा प्रारंभ है, संगठन यही हमारा अंत है। स्वयंसेवक का निर्माण और उनका संगठन, इतना ही काम संघ करेगा और दूसरा कोई भी भला काम संघ नहीं करेगा। तो उस समय भी कहा गया, आज भी पूछा जाता है कि दोनों का मेल कैसे बिठाया जा सकता है। परम वैभव प्राप्त करने के लिए सैकड़ों काम करने की आवश्यकता है राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, और आप कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं करने वाले और संघ कुछ का दूसरा काम नहीं करेगा, केवल स्वयंसेवकों का निर्माण और उनका संगठन। तो फिर ये बाकी सारे काम कैसे हो सकते हैं और बगैर उनके परम वैभव कैसे प्राप्त हो सकता है? तो प्रारंभ से ही यह कहा गया कि संघ केवल संगठन करेगा, स्वयंसेवकों का निर्माण करेगा, उनको उपयुक्त संस्कार देगा, उनका अनुशासनबद्ध संगठन खड़ा करेगा, इस अनुशासनबद्ध संगठन को आसेत हिमाचल बढ़ाएगा, इतना ही काम संघ करेगा। लेकिन संघ से संस्कार और प्रेरणा प्राप्त किए हुए स्वयंसेवक, दिन प्रतिदिन शाखा में आने वाले, संघ से संस्कार और प्रेरणा प्राप्त किए हुए स्वयंसेवक अपनी अपनी रुचि प्रकृति प्रवृत्ति के अनुकूल राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे और वहाँ कार्य और विचारों की रचना करेंगे। कार्य और विचारों की रचना, यह स्वयंसेवकों का दायित्व है। स्वयंसेवकों का निर्माण, यह संघ का दायित्व है। संघ स्वयंसेवक निर्माण करेगा, स्वयंसेवक कार्यक्षेत्रों का निर्माण करेंगे। कार्यक्षेत्रों का निर्माण, यह संघ का दायित्व नहीं है। संघ का दायित्व स्वयंसेवकों का निर्माण है, स्वयंसेवकों का दायित्व कार्यक्षेत्रों का निर्माण है। वे अपनी अपनी रुचि प्रकृति प्रवृत्ति के अनुकूल विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करते हुए कार्य और विचारों की रचना करें। लेकिन उसमें तीन तरह की परहेज रखनी चाहिए, ऐसा शुरू से कहा गया। पहली बात कि हम राष्ट्र जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वहाँ के कार्य की रचना और विचारों का विकास, यह सस्ती लोकप्रियता के पीछे न लगते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सिद्धांत और आदर्श है, उन्हीं के प्रकाश में कार्य की रचना और विचारों का विकास हम करें, यह एक बात। दूसरा, हमारे स्वयंसेवक विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करने के पूर्व उन क्षेत्रों में काम करने वाले अलग अलग लोग पहले से है, मौजूद है, विद्यमान है, उन्होंने वहाँ कुछ काम का ढंग, वायुमंडल, आदतें निर्माण की है। कुछ अच्छी होगी, कुछ खराब भी होगी। इसके कारण हो सकता है कि वायुमंडल अच्छा नहीं, रीति नीति अच्छी नहीं, काम की पद्धति अच्छी नहीं। अब जिस क्षेत्र में हम जाते हैं वहाँ तुरंत यश प्राप्त हो, इस दृष्टि से जो गलत आदतें वहाँ पहले से चल रही उन्हीं का स्वीकार करते हुए हम तुरंत कैसे यशस्वी हो सकते हैं? तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसा करना नहीं है। तो विभिन्न क्षेत्रों को परिष्कृत करने के लिए, साफ करने के लिए हम जा रहे हैं। हमें यश प्राप्त होने में देर हो सकती है, इसमें आपत्ति नहीं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमें आपसी व्यवहार की जो रीति नीति पद्धति सिखाई है, उसी रीति नीति पद्धति को इंट्रोड्यूस करना है अपने क्षेत्र में। हो सकता है इसके कारण यश प्राप्ति में कुछ देर हो, किंतु जल्दबाजी में आकर गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसा करना नहीं है, यह दूसरी बात। और तीसरी बात कि सर्वसाधारण स्वयंसेवक के लिए भी यह कहा गया है कि प्रतिदिन शाखा पर आना चाहिए। यह बड़ा विचित्र है। एक तरफ हम कहते हैं कि संघ में संस्कार दिए जाते, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आदमी बूढ़ा भी हो जाता है, बाल पक जाते हैं, चलना कठिन हो जाता है, तो भी निकर पहनकर शाखा पर आ जाओ, यह आग्रह चलता ही रहता है। मैंने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जैसे मिलों में होता है, फैक्ट्री में होता है, कि इधर कपास डाल दिया, उधर मैन्युफैक्चर्ड गुड एक बार हो गया कि फिर से मशीनरी में डालने की आवश्यकता नहीं, पक्का माल हो जाता है। वैसे 5 साल 10 साल तक शाखा में आ गए, फिर ये मैन्युफैक्चर्ड स्वयंसेवक हो गया,
फिर जीवन भर शाखा में आने की आवश्यकता नहीं, अब तुम पक्का स्वयंसेवक हो गए हो, सर्टिफाइड, ऐसा नहीं है। यहाँ संस्कार होते हैं, यह भी प्रतिज्ञा है, और आखिर तक हर दिन शाखा पर आना है, यह भी कहा गया है। जिसका मतलब होता है कि संस्कार होते हैं, यह सही है, किंतु मनुष्य के मन की रचना ही ऐसी है कि बाह्य वायुमंडल के संपर्क में हम जब आते हैं तो अच्छे लोगों के संस्कार भी धूमिल हो जाते हैं। वह जो मालिन्य है उसको हर दिन दूर करने की आवश्यकता है, पीतल का बर्तन जो है उसको हर दिन साफ करने की आवश्यकता है। इस विजयादशमी को एक बार पीतल का बर्तन साफ किया, उसको आलमीरा में रख दिया, अब अगले विजयादशमी में ही उसको मांझ लेंगे, इससे काम नहीं चलेगा, हर दिन साफ करना पड़ता है। वैसे यहाँ संस्कार दिए जाते यह भी सही है, लेकिन उनको कायम रखने के लिए हर दिन शाखा पर आकर फिर से संस्कारों की रिविजन करना यह भी आवश्यक होता है। दोनों बातें कही गई, यह सर्वसामान्य स्वयंसेवक के लिए भी कहा गया है। अब जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं वो तो जानबूझकर ऐसे कार्यक्षेत्र में है जहाँ पहले से गलत वायुमंडल लोगों ने तैयार किया है, उनके लिए तो मन को परिष्कृत करने की आवश्यकता सामान्य स्वयंसेवक के तुलना में अधिक हुआ करती है। इस दृष्टि से सामान्य स्वयंसेवक का दिन प्रतिदिन के उपस्थिति के विषय में जितना आग्रह होगा उससे अधिक आग्रह पूर्वक विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों ने दिन प्रतिदिन का उपस्थिति का आग्रह रखना चाहिए। ये तीन बातों की परहेज, एक संघ के सिद्धांतों आदर्शों के प्रकाश में ही अपने अपने कार्यक्षेत्र में विचारों का विकास और कार्य की रचना हो, दूसरा संघ ने जो आपसी व्यवहार की रीति नीति पद्धति बताई है वही हम अपने अपने कार्यक्षेत्र में इंट्रोड्यूस करें, और तीसरा कि सर्वसामान्य स्वयंसेवक से भी अधिक आग्रह दिन प्रतिदिन के उपस्थिति के विषय में हमारा रहे। तीन बातों की परेश के साथ यह कहा कि हमारा स्वयंसेवक अपने रुचि प्रकृति प्रवृत्ति के अनुकूल विभिन्न कार्यक्षेत्रों में जाएंगे और वहाँ कार्य का विकास, विचारों का विकास, कार्य की रचना करेंगे। इस तरह से राष्ट्र के परम वैभव के लिए आवश्यक वो सभी कार्य हो गए, कोई कार्य अछूता नहीं रहेगा, लेकिन ये सारे कार्य स्वयंसेवक करेंगे, संघ नहीं करेगा।